खबर आपको देते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तारिक महबूब को अदालत पहुंचा दिया गया है। तारिक महबूब को उनकी रिहायशगाह फेडरल बी एरिया से गिरफ्तार किया गया था। मजीद जानेंगे फारूक समी से। जी फारूक समी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रेंजर्स की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के अंदर तारिक महबूब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं उनको भी पहुंचा दिया गया है। उनके जो है चेहरे पे कपड़ा डाल के उनको अदालत में लेकर आया गया है। तारिक महबूब के ऊपर भी संगीन नौयत के इल्जाम हैं जिनके जिस हवाले से आज इन्हें 90 डेज के लिए जो है रेंजर्स अपनी तहवील में लेने के लिए दहशतगर्दी एक्ट के तहत आज अदालत से इस्तदा करेगी। तारिक महबूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं जिन्हें कुछ दिनों कबल जो है उनकी रिहायशगाह जो कि फेडरल बी एरिया यूसुफ प्लाजा के अखब पर मौजूद है वहां छापा मार के उनको गिरफ्तार किया गया था। आज उनको रेंजर्स की जानिब से अदालत पेश कर दिया गया है। इस हवाले से जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं और दीगर जो मजहबी जमातें थी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायती हैं उनकी जानिब से भी इस गिरफ्तारी पे इंतजार किया गया था। तमाम रेंजर्स की जानिब से ये कहा गया है, मौकफ आया है कि इनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं जिसकी बिना इनको अदालत में आज पेश किया जाएगा। ठीक है फारूक समी, बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, आपको आगाह करें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तारिक महबूब को अदालत पहुंचा दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज उनको पहुंचाया गया है। तारिक महबूब को उनकी रिहायशगाह फेडरल बी एरिया से गिरफ्तार किया गया था और अब उनको अदालत के रूबरू पेश किया जा रहा है।